अस्सलाम वालेकुम मिठियो लूडियो सुनियो क्या हाल है। उम्मीद करदा तुसी सारे खैर खैर नाल होसोगे और तुसी वेखदे पियो यारां दा व्लॉग 14 ते मैं ज़ुल्फ चीना। जिवें कि तुहानू पता पिछला व्लॉग जिहड़ा साडा सर खिदर यार टिवाणा जो कि कलर स्टेट दे नवाब आन उन्हां दी हवेली ते आई और उन्हां दी हवेली दे हालात बन विखाया कि फिलहाल वो किस हालत च सारा कुछ जिहड़ा तुसी वेख्या ओह तुसी जाणदे हो। अगर नहीं वेख्या तो जिन्ना हजरात नहीं वेख्या बन के वेख लियो। तो अज जिहड़ा व्लॉग है वो उन्हां दे टिवाणा फैमिली के जिहड़े नवाब हन उन्हां दे मकबरियां दा और जिस जगह ते मकबरे उस जगह ते खूबसूरत बाग हुंदा है। फिलहाल उस बाग की की हालत है सारा कुछ दुआन अज दे इस व्लॉग विखसांगे। और अज दा व्लॉग शुरू करन तो पहले एक होर दुआन गल दस दईए कि अगर एंड ते तुहाडे दिल मुतमिन होया तो साडे इस चैनल सबसक्राइब करना, पहले बिल्कुल नहीं करना। और अगर दिल मुतमिन न होया तो बेशक साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं करना। तो एक गल है अपने दोस्त नाल लाजमी शेयर करना, तो कमेंट सैक्शन च अपनी राय का इजहार तुसीं लाजमी दिता करो कि साडा व्लॉग ठीक है नहीं ठीक। कोई गलती होवे तो तां वी सानूं कमेंट सैक्शन तुसीं लाजमी दस्या करो, क्यों जे असीं गलतियां तो सीखदे हां, गलतियां तो कौड़ ना कर दे। ते आज दा व्लॉग करदे हां शुरू। और जैसे कि तुहानूं दस्या हवेली तो बाद असीं हुण फिलहाल इन्हां दा जिहड़ा कब्रिस्तान है मलक उमर यार टिवाणा, मलक खिदर यार टिवाणा, उन्हां दी जिहड़ियां कबरां जां हुण वी जितने भी फौत होंदे ने इन्हां टिवाणा फैमिली दे ओह हैस इन्हां दा जिहड़ा मखसूस एक कब्रिस्तान है बाग बनाया गया किसी दौर के अंदर और हुण कब्रिस्तान की हालत इच है। और इहदे विच उन्हां दीआं कबरां और उन्हां दीआं कबरां दी हालात की वजह ने वह दुआन अगे नाल दिखाने और चलदे अंदर। और यह तुसीं वेख सकते हो कि जिहड़ा टिवाणा फैमिली का खसूसी अपना जिहड़ा एक अलहदा कब्रिस्तान है इहदे विच किसी दौर च बड़े खूबसूरत बाग होंदा है और जिहदे विच अजे भी खजियां कुछ बचियां जिन्हां किसी अग ला के साल छोड़िया। और फिलहाल इस बाग दे विच कोई चीज़ मौजूद नहीं सिवाय बाग दे हज़ारा माली हैं उहदी अज यह हालत होई पई जो कि तुसीं अपनी स्क्रीन ते वेख सकते हो। और अगे दुआन वेखने उन्हां दीआं जिहड़ियां कबरां वगैरह हैं उन्हां दे के हालात हैं और जिहड़ा उन्हां दे कबरां दी देखभाल कोई करता भी है कि नहीं वो सारा कुछ दोनों नाल नाल विखेंद्र सांग है। और यह तुसी वेख सकते हो असी टिवाणा फैमिली का जिहड़ा स्पेशली अपना कब्रिस्तान है उत्थे मौजूद हाँ। और यह सामने मलक खिदर यार टिवाणा साहब की जिहड़ी वालिदन उन्हां दा यह मज़ार जे बनाया गया मकबरा बने हुआ। और यह छोटिया छोटिया होर भी कबरें हैं इन्हों जी हिस्ट्री लिखी हुई वो पढ़ के तुम दसते हैं। और यह जी सामने तुम कबर वेदे पे पख्ता हालत इट नाल पक्की की गई ये मलक खिदर यार टिवाणा साहब की। और अगे यह जो मकबरा वे तुम करीब तो भी अगे बात वेखने उत्ते बज के ये मलक उमर यार टिवाणा साहब की। और अगे यह जड़िया कबर हैं ये टिवाणा फैमिली नाल ही बिलोंग करते उन्हों सारिया कबर वगैरह हैं। और अगे दुआने सारिया कबर के उत्ते जी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई वह भी दसें। और सामने जरा वेखते पे हो एक मस्जिद जाइए इतने किसी दौर के अंदर कवालियाँ होनी और कवालियाँ होनी महफल वगैरह होनी और कुरानखानियाँ वगैरह इस जगह तो होनी ये भी दुआने अंदरों विजिट वगैरह कराने। और चलद अगे दुआन नाल सारिया कबर के उत्ते जी हिस्ट्री लिखी वह भी पढ़ के वेखने। तो दुआन करीब तो भी मज़ार जड़े हैं इन्हों बने हुए मकबरे उन्हों का भी विजिट कराने। सब तो पहले चलद मलक खिदर यार दे वालिद जड़े मलक उमर यार टिवाणा उन्होंने कबर की तरफ। यह जी तुम कबर वेखते पे हो ये मलक खिदर यार टिवाणा उन्होंने दादा यानी कि सर उमर यार टिवाणा उन्होंने वालिद आमन यार टिवाणा साहब जो कि कलरा स्टेट के बानी हैं जिन्हें कलरा स्टेट कायम किया ये उन्हां दी कबर है जो कि तुसी अपनी स्क्रीन ते वेख सकते हो। और इन्हां दी तुसी वेख सकते हो कबर के पिछे सारी हिस्ट्री लिखी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ते खान बहादुर मलक साहब खान टिवाणा हिंदुस्तान एस पी हलफ मलक अहमद यार टिवाणा वल इन्हां दी जिहड़ी पैदाइश है 1804 हुई वफात 1879 हुई बानी कलरा स्टेट के हैं। और इन्हें कलरा स्टेट की बुनियाद रखी
और इन्ना ही कालर स्टेट बनाया। ये हैं मलक खिदर या टवाणा साहब के दादा सर उमर या टवाणा जड़े नवाब बनाते वालिद ग्रामी। और अगे तुखने करीब तो और जी सामने तुम मकबरा नज़र आता पाया ये खिदर या टवाणा के वालिद सर उमर या टवाणा बनांदा मकबरा वे। और ये वेख सकते हो अजे भी उस दौर पर जोड़ा बाग लाया गया है वो कुछ दरख्त इतने मौजूद हैं और ज़्यादा जड़े हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये दुआन करीब तो वेखने मलक उमर या टवाणा साहब की जड़ी मकबरा वे कबर है और ये पिछे काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री लिखी हुई जो पढ़ सकते हैं वो दुआन पढ़ के वेखने। और ए सर उमर या टवाणा जो कि खिदर या टवाणा के वाले के ग्रामीण बनाती है कबर है। और इस साइड पर इनकी कबर की साइड जी पिछे लिखाई हुई हुई और इस जगह पर इनकी कॉलर स्टेट का जोड़ा मोनोग्राम या जोड़ा निशान है उस दौर जो स्टेट में मिलता है ताज बरतानिया की तरफों मलक बरतानिया की तरफों है इनका है जो कि तुसी अपनी स्क्रीन पर वेख सकते हो। और अगे चलद खिदर या टवाणा की कबर तुम करीब तो वेखने और जिस जगह पर कवालियाँ होनी कुरानखानी होंगी है महफल वगैरह होनी वो भी तुम नाल नाल जगह वेखने। और है सार मलक खिदर या टवाणा साहब बनांदी कबर है जो कि तुम वेख सकते हो। इन्हों का मकबरा सिर्फ एक उत्ते टीन लगो आ लोहे का और लोहे दे पोल वगैरह लगे हुए और इनकी इटा नाल एक सादी जी कबर बनाई गई। कांग्रेस तो अस्तीफा दिता तो उस वक्त साढ़े मुल्क दे बानी जड़े कैद आजम मुहम्मद अली जिनाह उन्हें यह आख्या कि अज मुल्क पाकिस्तान दे बनन दे विच जिहड़ी वड्डी रुकावट आई मलक खिदर या टवाणा वो हट गए। और ए उन्हां दी कबर है मलक खिदर या टवाणा साहब की और उन्होंने जड़े वालिद ग्रामीण नांदी दुआन अगे कबर विखाई उन्हों का कितना खूबसूरत मकबरा बनेगा और उन्होंने जड़े दादा नांदा बड़े खूबसूरत मकबरा बनेगा। और इस खिदर या टवाणा की कबर की दूजी साइड उन्होंने वालिदा का मकबरा बनेगा जो कि बंद है ताला लगा पिया अगर वेद्या खुलदा कदाइयों तो वह भी दुआन वेख के विखने अंदरों मकबरे की हालत। और अगे दुआन बात विकसांग है जिते कवालियाँ वगैरह होनी जिते नाथखानी कुरानखानी वगैरह होंगी है। और मलक खिदर या टवाणा गांधी वालिदा के जड़ा मकबरा बनेगा और इस मकबरे का यह दरवाज़ा वे लेकिन पहले चारों साइडा तो खुलता है यह मेन दरवाज़ा जो कि फिलहाल बंद है। और यह तुम वेख सकते हो इस जगह तुम चाबी लगती और इतों ला के और खुलता नहीं पाया अगर खुलता हों तो दुआने का अंदरूनी भी विजिट कराई गया। और अगे चलद वो जगह विखने जितने किसी दौर के कवालियाँ नाथखानी कुरानखानी वगैरह होंगी है और जी सामने जगह वेखते पे हो इस साइड भी थले पानी आता है इस तालाब और इस साइड पर भी जो तालाब ये भी पानी आता है बड़े खूबसूरत बंदे दसते पैन उस दौर के बड़े खूबसूरत मनाजिर होंगे जो इतने कवाली होंगी आई कुरानखानी होंगी आई नाथखानी होंगी आई। और ए सामने भी वो जगह जिते नवाब बह के कुरानखानी नाथखानी और कवाली वगैरह सुनते हैं बह के आप और इतने उस दौर के मशहूर कवाल नाथखान कारी कुरान आते हैं कारी अपने इतने खूबसूरत आवाज़ कुरानखानी करते हैं नाथखान जड़े हैं उस दौर के वो अपने इतने खूबसूरत आवाज़ नात पढ़ते हैं महफल आनियाँ उलमा आदि और खिताब वगैरह होंगे जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर वेख सकते हो। हूँ फिलहाल एक बहुत ही खस्ताहाली का शिकार है क्योंकि वह नवाब नहीं रहे वह गल नहीं रही अगर गर्मी होनी तो इस बरामदे बनते हैं जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर वेख सकते हो। और जो अगर सर्दी हो गया तो इन्हें कमरे के बह के वो कवाली वगैरह सुनते हैं। और इस जगह पर या जो तुम थला वेद पे वो चीज़ा इतने कवाल पाते हैं नात होनी कवालियाँ होनी महफल होनी और सामने इन्होंने मकबरे वगैरह हैं और ए खिदर या टवाणा की वालिदा का मकबरा वे और बिल्कुल सामने
सर उमर यार टवाणा, खिदर यार टवाणा के जो वालिदैन उन्हों का मकबरा तुम वेख सकते हो, और इस साइड पर खिदर यार टवाणा का अपना मकबरा, और इस दे दूसरी साइड उमर यार टवाणा के बिल्कुल बैक साइड पर जी कब्र है वड्डी मकबरा बने हुआ, वो सर अहमद यार टवाणा जो कि कालरा स्टेट के बानी हैं जिन्हें कालरा स्टेट पिंड कायम किया और इत्थे इन्हां दी हुकूमत शुरू हुई ताजे बरतानिया के नज़र करम तो। और अगे चलदे हां तुहानू इत्थों दी मशहूर मस्जिद वह भी विखाने, और इस तो पहले इत्थे छोटा जिहा कुआं में वह भी तुहानू विखाने जिहदी वजह तो यह सारा बाग जिहड़ा सैराब हुंदा है। और हुण आ तुसीं वेख सकदे उस दौर दे जामन इस वक्त मौजूद हैं जिहदे खूह दा ताज़ा पानी मिलता है। और अगे और तुसीं वेख रहे हो सुगे सामने खूह वाली जा वे, और यह जिहड़ियां नालियां बनी हुई नाले इन्हां विच पानी आउंदा है, और अगे पूरे बाग नूं सैराब करदा है, जितना भी कब्रिस्तान के आसे पासे बाग है सारे सैराब करदा है। और आओ तुहानूं विखाने आं खूह दी हालत, हुण फिलहाल खस्ता हाल ही है लेकिन वो तो कोई तुहानूं ओवरव्यू विखा छड्डदे आं ना, हुण इहनां नालों कुछ बेहतर ही है। और यह तुसीं वेख सकदे हो यह खूह है जो तुसीं अपने सामने वेख सकदे हो, और इहदा फिलहाल हालत बड़ी ही है, गन्ना वेंदे ही ना खूह बिच लगे वन जी। और यह जो सिस्टम बनया पे सामने उस दौर का ये पानी की सप्लाई वाला सिस्टम है जो कि पूरे बाग में पानी देंदे हैं, इस जो जिमें साढ़े अजकल बोरों की हौज ही बनी हुई इन जी इस खूह की हौज ही तुम आख सकते हो जी कि पूरे पूरे बाग में पानी देंदी है। यह वेखते पे तुम अजे भी उन्होंने नालिया दियाँ इट्टां वगैरह इत्थे हैं, और जिहड़ी जगह में इत्थों पानी आउंदा है और इस पूरे बाग नूं सैराब करदा है जो तुसीं वेख सकदे हो। एरिया अजे भी बाग दा मौजूद है और कुछ दरख्त मौजूद हैं, और इस तों इलावा बाकी सब कुछ खत्म हो चुका। तो तुसीं वेख्या कि बाग की की हालत होई पई और मकबरे किस हालत चैन, क्यों जे किसी बंदे इत्थों इस जहान तो कोई शह नाल लैके नहीं बहना, जो कुछ इस दुनिया ते है वो इत्थे ही छड़ बहना और सिर्फ अपने चंगे और बुरे अमाल नाल लैके बहने। इस वास्ते हर इंसान नू कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह अमीर है गरीब है नवाब है नौकर है सरदार है जो भी है, उन्हू अपने किरदार नू बेहतर रखना चाहिए और इस तरह का किरदार होना चाहिए कि पिछे तुसी मार भी बन जो बंदे द्वान चंगे अल्फाज याद करें। तो ये विलॉग इतना ही आए, इंशाल्लाह इस तो बाद जिहड़ा विलॉग हो सी गया और कालरा स्टेट की जामिया मस्जिद है उसका विलॉग है, और इसका जिहड़ा बुलंद तरीन मीनार है वो भी द्वान विकसांग है, और उन्होंने जिहड़े कालरा स्टेट की चारों साइडां ते जिहड़ा एक दीवार आई और दीवार दे विच जिहड़े दरवाजे आन कुछ बाकी हैं ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं वो द्वान विकसांग है। तो यह वाला विलॉग फिलहाल इत्थे करदे आं ख़त्म, जे जिंदगी वफा कीती इंशाअल्लाह द्वानों वाला विलॉग विकसांग है। तो अज्ज दा विलॉग करदे आं ख़त्म, तो अल्लाह हाफिज़।